Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace23. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है और मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया है। नए मंत्रिमंडल में पुराने एक भी मंत्री को स्थान नहीं मिला है, बल्कि सभी नए चेहरों को मौका दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में आज नए मंत्रिमंडल में कुल 24 मंत्री शामिल हुए। विजय रूपाणी सरकार के सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। नए मंत्रिपरिषद में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री बनाए गए। खास बात यह है कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले विधानसभा स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली। राजेंद्र तिवारी के स्थान पर अब नीमा आचार्य को विधानसभा स्पीकर बना दिया गया है। आइए जानते हैं गुजरात के मंत्रिमंडल में कौन कौन 24 मंत्री शामिल हैं। राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वघानी, राघव पटेल, पूर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चौहान, ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं हर्ष सांघवी, ब्रजेश मिर्जा, मनीषा वकील, जगदीश भाई पांचाल, जीतू भाई चौधरी, निमिषा सुतार, मुकेश पटेल, अरविंद रयाणी, कुबेर डिंडोर, कीर्ति सिंह वाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, देवा भाई मालम, राघव जी मकवाना, विनोद भाई मुराडिया राज्य मंत्री बने हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गुजरात भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल का चयन मुख्यमंत्री पद के लिए किया गया था। इस बैठक में भाजपा के 103 विधायक मौजूद थे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। रूपाणी ने इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। बीजेपी ने कैबिनेट के जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का दाव चला है। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर आए बीजेपी में शामिल नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पाटीदार समुदाय को संदेश देने के लिए बीजेपी ने सीएम के साथ साथ पटेल समुदाय से भी सबसे ज्यादा कैबिनेट में जगह दी है। इस्तीफे के बाद पार्टी ने भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगाई थी। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने पाटीदार मत बैंक को साधने के लिए एक बार फिर पाटीदार चेहरे को सामने रखा है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले साल चुनाव दिसंबर में होने हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान किसी भी हाल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और माना जा रहा है कि पुराने मंत्रियों को हटाकर सरकार की नई छवि पेश करना रणनीति का एक हिस्सा है।